बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो कुछ अरसा आपसे दूर रहा, वीडियो नहीं बना सका, उसकी कोई ख़ास वजूहत थी। तो इधर मेरे कोई कानूनी मसाइल चल रहे थे, तो उस वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना सका आप दोस्तों के लिए। तो असल में हमारा जो इधर ज़मीनों के कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो डीसी झांग है, झांग का डीसी है, वो उसके साथ हमारे इधर ज़मीनों के मामला चल रहे हैं। तो उसने मुझ पे दो बिल्कुल नाजायज़ FIRें वैसे ही करवा दी हैं। तो उस वजह से थोड़ा कचहरी के मामला में मसरूफ़ था। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि मैं YouTube जो मेरी है ना, जितने भी मेरे दोस्त सब्सक्राइबर हैं, तो YouTube फैमिली हैं मेरी, तो YouTube फैमिली को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, मेरे साथ ये मसला हो गया था, तो इसलिए कम से कम 1 महीने से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो दोस्तों, सबसे पहले असरा रखने की लाइसेंस भी होना लाजमी है, और मैं अपनी वर्कशॉप में हमेशा सिर्फ लाइसेंस ही असला रिपेयर करता हूँ। तो जो मेरे लोकल सब्सक्राइबर हैं अपने ज़िला के, उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ लाइसेंस ही वेपन ही मैं रिपेयर करता हूँ अपनी वर्कशॉप में, लाइसेंस के बगैर बिल्कुल रिपेयर नहीं करता। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप दोस्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए आज एक नया मसला है, मुख्तसर सा वो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो मसला ये है कि ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं दोस्त, जो कुछ कह रहे थे बरीटा के मैगज़ीन में ये मसला है, बरीटा में है, कुछ ने जयगाना 9 mm में कहा है, कुछ ने 30 बोर में कहा है। इस प्रॉब्लम पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल में दोस्तों ने वो देखी नहीं है। तो बार बार, क्योंकि दोस्त कह रहे थे, कुछ कह रहे थे व्हाट्सएप पे हमें भेज दें वीडियो बना के इसका मसला हल करके। तो व्हाट्सएप पे, क्योंकि हर बंदे को मैं नहीं भेज सकता, इसलिए मैंने कहा चलो दोबारा ही इस पर मुख्तसर सी वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाता हूँ। तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़ाया किया माजरा, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये मसला जी है, ये है कि अब सबसे पहले हम दोस्तों, कोई भी वेपन है उसका आप ट्रिगर की तरफ उंगली नहीं लेके जाएंगे, बाहर ही रखेंगे उसकी उंगली अपनी, और उसको सबसे पहले इसकी मैगज़ीन निकालेंगे, उसके बाद इसका चैम्बर चेक करेंगे कि अंदर से खाली है। तो चैम्बर की तसल्ली लाजमी करनी चाहिए कि अंदर से खाली है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, ये मैगज़ीन है जी। अच्छा, ये बिल्कुल जिस दोस्त का पिस्टल है बिल्कुल न्यू है, यानी कि बहुत कम चला हुआ है। तो दोस्तों, ये नए पिस्टलों में भी ये फॉल्ट आ जाता है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा देता हूँ, इंतहाई आसान तरीका है इसका, इसको मसले को हल करने का। तो ये पहले आपको मसला समझा देता हूँ, इस पर पहले भी वीडियो में एक बना चुका हूँ, तो बस दोस्तों की खसूसी फरमाइश पे दोबारा बना रहा हूँ। जो बार बार पूछ रहे थे कि हमारा बरीटा या रेगाना या 30 बोर में ये फॉल्ट आ रहे हैं, दोस्तों ये डमी ग्राउंड है जो मैंने अंदर डाले हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन उंगली बाहर होनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये देखें, ये गोली दोस्तों अंदर खड़ी है, लास्ट गोली जो है अंदर खड़ी है, आखिरी गोली, और ये लॉक हो गया साइड पे, इसका स्लाइड लॉक होता है। तो दोस्तों, ये मसला आता किस वजह से है, ये अक्सर गोलियां जो फायर करते हैं तो बाद बाद ये प्राइमर वगैरह पीछे से निकल जाता है, तो उस वजह से ये फॉल्ट मैगजीनों में आता है। ये मैगजीन का फॉल्ट है, इसमें पिस्टल का कोई कसूर नहीं है। तो उसके लिए आपको हमारे पास जो एक और अपना खास खसूसी जो है फर्मा प्लेटफार्म होता है, लेकिन आपको जो जुगाड़ वाला तरीका है वो मैं समझाऊंगा कि किस तरह इसको आप सेट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे पास तो ये ख़ास किस्म का इसका एक फर्मा होता है, तो उससे हम पहले इसको, इसका जो होता है लॉक प्लेट, बेस प्लेट को खोलते हैं, ये लॉक प्लेट नीचे करके, यानी कि इसका जो ढक्कन होता है बेस प्लेट, उसको खोलते हैं, उसके बाद ये सारा चीज़ इसका फॉलोवर वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको अंदर डाल के इसको सेट करते हैं।
तो आपके पास हो, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती, तो आप घर में आपने सैर करना है, तो उसके लिए आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से इसको ठीक कर सकें। वो तरीका ये है कि आपके पास खोल हो, अगर 9 mm की मैगजीन है तो 9 mm की खोल यूज़ करें, अगर 30 बोर की है तो आप 30 बोर के खोल, ये खाली खोल है। खाली खोल यूज़ करने का मकसद ये है दोस्तों कि खुदा ना खास्ता इसके प्राइमर पे हिट हो तो चल भी सकती है गोली। तो ये इसका जी खाली खोल है जी। तो खाली खोल को आपने, ये आप छोटी वाली हथौड़ी आप लेंगे हैमर, इसको इस तरह से हल्का सा पुश करेंगे इधर से भी, और हल्का सा इसके अंदर रख के, इसके अंदर रख के हल्का सा इसको नीचे दबाएंगे, खोल को हल्का सा नीचे, इससे भी और इस साइड पे भी। तो दोस्तों अब चेक करते हैं, तो डाल के अगर दोस्तों एक ही दफ़ा इसको बड़ी ज़्यादा हिट नहीं करना, क्योंकि फिर वो मैगजीन गलत भी हो सकती है। तो पहले चेक करेंगे अगर फॉल्ट कर रहा है, नहीं अभी भी कर रहा है तो अभी थोड़ा सा और इसको और हिट कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखें जी, फॉल्ट डाला, इसको दोबारा से हिट किया इधर से भी इधर से भी। तो भी फिर चेक करते हैं, ये गोली ये अभी भी नहीं हो रहा, तो इसको अच्छा, इसको सब्र व तहम्मुल के साथ ऐसा ऐसा करना है आपने, ये नहीं कि एक ही दफ़ा पे आपने नहीं करना। ये देखें, अब उम्मीद है इंशाल्लाह इसका पार्ट टू नहीं होगा तो एक दफ़ा फिर कर लेंगे, लेकिन ये है इसको, ये देखें जी 1 2 3, ये देखें जी अभी इसका फाल दूर हो गया, अभी मैगजीन बिल्कुल ये खाली है। तो इस एक दफ़ा फिर इसको ट्राई करेंगे, तो फिर उसके बाद ये दोस्तों डमी राउंड है ये मेरे पास, तो आप जिंदा राउंड अगर करें तो आपकी महफूज सिमत में बैरल होनी चाहिए, आगे सामने कोई ना होता। तो ये जी दोबारा से करते हैं इसको ट्राई, ताकि अच्छी तरह तसल्ली हो जाए। ये देखें जी, इसकी मैगजीन अंदर से खाली खाली हो गई है, तभी ये लॉक हुआ है साइड से। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर दें, जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।